बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा। तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे, कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा लगता था। दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद शायद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई आध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकित होता जा रहा था। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए, अंतिम सांस तक सेवा में छूटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे, जितना वो पचा सके, जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ ना कुछ मिलता था और संतोष होता था। और मेरे जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर, वो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी। और एक आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वे एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वह एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो, एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां, होगी मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति का वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही
आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी, ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था।